चलिए चलो पीछे 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 चलते रहो चलते रहिए। जनरान जी आइए चलते रहो सर। पलक जी चलते रहो सर। श्रीमान सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। सम्मान गार्ड विसर्जन। चलो विवेक जी पांच मिनट सर। भैया सब सब खर्च करता है सर। चुनाव का समय आपसे दर्शन करने आ गए लोग कुशवा जी धक्का मुक्की ने आराम से खींचो यार रिश्ता आराम से मिलेंगे कहीं पर मारिए हम लोग को। आइए आगे आ रहा है सामने चढ़ जाए ये मोबाइल वाला बोल जाएगा। गलत चलिए सर चलिए आगे आप बैठो दस मिनट भैया प्रणाम। क्या सुना अभी वन कहते थे आप बोलने वाले आगे बढ़ो। जनमन योजना है योजना क्या है जनमन योजना जो लॉन्च हुई है सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित जनजातीय समूह के लिए पूरा का ही है। आदिवासी समाज को ही समर्पित है और प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को चालू किया था यहीं से एजेंसी के अवसर पर एक तो ये यहाँ करेगा दो बार गांधी जी जयंती और स्वच्छता कार्यक्रम। अब हमारा सभा कैसे तो हमारा सभा कितने बजे से
टाइम की और यहाँ लाइट अच्छी यहाँ लाइट करने का जो है पाँच सौ चीज़ है साढ़े पाँच बजे लाइट रहेगी लाइट और हमारे तो वही प्रधानमंत्री जी ही उसी हिसाब से बोलेगा बाकी लोग तो पहले ही बोल लेगा मैक्सिमम साढ़े चार में ज्वेल जी ये देख लेगा हम लोग वो देख लेगा खाली जो आदिवासी वो थोड़ा बात कर लेगा यहाँ अगर 2 बजे से 3:30 बजे होगा फिर वो कार्यक्रम का कैसे क्या करेगा थोड़ा सोचता हूँ अभी उसका सूचना किसी को मत दीजिए जब तक हम कहाँ नहीं जाएगा पूरा एक बार से मेरा उसका समय चलो तो बुधारी अंत समय मेरा बात मानना है ये दिमाग में है कि नहीं लास्ट में किसका बात मानना है ये खाली दिमाग सर सर बाकी तो अभी पूरा भाषण सब देते रहो कर दीजिए आपको बात सब परिवर्तन अरिवर्तन सब होगा लेकिन सर सर चलिए भाई चलिए मैडम फसा घर यार फसा उस साइड से चलते हो सर रास्ता है ना आपको उधर से उधर मतलब उधर यहाँ मंच बनेगा चलते रहो सर चलते रहो सर भैया
बना देगा सर, सर, सर आगे परीक्षाओं में बहुत धांधली हो रही है सर। अच्छा अभी बात करेंगे आप लोग से बात करेंगे। सर दो मिनट में आपसे बात। ठीक है सर, ठीक है सर। जेएसएससी सीजीएल 10 साल से परेशान है। अभी अभी मैं बात करूँ। पीछे पीछे का रास्ता 40 फीट है सर। खाली है करूंगा, लेकिन फिर भी निर्णय होगा तो वो जगह को आप आएंगे, लेकिन वो जगह से आने और वहां से निकालने का गेट होगा। ये 6 लाख स्क्वायर फीट है, 300 में से 200 1 लाख का टारगेट रखे आगे मत पढ़ो यार। सब जगह में मीटिंग स्टार्ट हो गया और एक बरकट्ठा भी है सर। हर जगह में शादी कर दीजिए, इसलिए यह यात्रा का समापन है। अच्छा सभा मंडलों में बैठक चालू हो गया। हमारा स्टूडेंट्स लोग स्टूडेंट के पास सिलेक्शन कमीशन इसमें से 6.5 लाख भरा हुआ था सर। उसमें से क्या हुआ ना कि 10 साल से 15 साल से एग्जाम चल रहा है, लेकिन अभी क्या हुआ कि सारा सेट बेच दिया गया है। कल हम लोग गए थे, परसों कॉन्फ्रेंस था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था सचिव सर का, उसने बताया कि आप लोग आ करके हम लोग का सबूत दीजिए। ठीक है, सबूत हम लोग कल जा करके दिए। ठीक है, फिर भी उसने आज आपका सबूत आपने क्या दिया? जो सारा लीक हुआ था सर 4 बजे 5 बजे करके, जो क्वेश्चन था उसका आंसर सारा चारों तरफ से क्या हुआ फोटो खींच करके चारों तरफ भेज दिया गया था। मोबाइल क्योंकि नेट तो बंद था सर, नेट तो बंद था क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह जा नहीं रहा था। तो 4 बजे क्या हुआ था कि फोटो वगैरह खींच करके सर चारों तरफ चला गया। 4 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग चला गया सर। हम लोग जब कल जा करके दिए हैं सबूत वगैरह, शाम में क्या हुआ कि बोला गया कि ठीक है आप लोग का आंसर की रिलीज नहीं होगा। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे क्या हुआ कि आंसर की रिलीज कर दिया गया है और एग्जाम कैंसिल करने का बात ही नहीं करा। बोल रहे हैं कि कोई धांधली वगैरह नहीं। ये एग्जाम पहला बार हुआ था कि आगे भी जनवरी में एक्चुअली कैंसिल हो चुका था, 28 जनवरी को और 4 फरवरी दूसरा एग्जाम था। तो हम लोग पिछला बार लगभग 1 फरवरी को आंदोलन किए थे, उसमें 28 वाले एग्जाम को 4 वाले एग्जाम को दोनों कैंसिल कर दिया गया था। 28 जनवरी और 4 फरवरी, उसमें 28 जनवरी में कितना पोस्ट है? यही पोस्ट का एग्जाम एग्जाम को
दो बार किया उसको कैंसिल करके अभी कर रहा है 28 जनवरी का पहले एग्जाम हुआ फिर वहाँ क्वेश्चन लीक हुआ फिर हम लोग जब आंदोलन किए तो दूसरा पाली का 4 फरवरी का होने वाला था तो 28 का भी और 4 का दोनों का खत्म कर दिया। अच्छा दूसरा पाली में पोस्ट कितना सेम है यही पोस्ट लेकिन एक ही एग्जाम लड़का ज्यादा होने की वजह से दो शिफ्ट में कर रहा है इसीलिए दो सेट का क्वेश्चन पेपर हाँ दो शिफ्ट का सर। अच्छा तो 11 कितना लाख कैंडिडेट थे 6.5 लाख सर 6.5 लाख था इसीलिए 2000 पोस्ट था दो पाली में क्वेश्चन पेपर बनाया था। पहला पाली का क्वेश्चन लीक हो गया तो सेकंड पाली का एग्जाम भी कैंसिल 28 जनवरी का बात है फिर इस बार फिर इसमें 21 और 22 को 21 और 22 को दो का एग्जाम था तो 21 का भी हुआ और 22 का हुआ। नेट तो चारों तरफ बंद था सर जब अगला सुबह हुआ ठीक है जब नेट खोला गया तो सारा क्वेश्चन 4 बजे सुबह 12 बजे रात में ही चारों तरफ से आंसर रिलीज हो गया। लेकिन अभी हम लोग जब हम लोग सारा बोल रहे हैं तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो सिलेक्टेड लोग हैं उनका पास ही चला गया। हाँ कल से कल शायद इसलिए बंद किया गया पहले पता चल गया था इसलिए 22 तारीख एग्जाम में 4 मिनट पहले बंद कर दिया गया नेक्स्ट जो 21 एग्जाम था उसमें सुबह 7 मिनट बंद हुई है जबकि 22 वाले एग्जाम 4 से पहले नेट बंद कर दिया गया उस शायद इन्फॉर्मेशन को चला गया होगा क्वेश्चन निकल चुका है इसलिए उस दिन टाइम टू पहले क्वेश्चन बंद तो कल आप लोग जो जाके जेएसएससी में कंप्लेन दिया वो लोग बोला आंसर की रिलीज नहीं करेंगे लेकिन जैसे ही हम लोग आए घर पहुंचे भी नहीं है हजारीबाग पहुंचे भी नहीं तब तक आंसर की रिलीज कर दिया गया है। आप लोग तो राज्यपाल महोदय को हाँ सर वहाँ भी हम लोग मिले वहाँ से निर्देश आए हैं अभी धानली का जांच करने के लिए तो हम लोग भी एक बार राज्यपाल महोदय से दोबारा मिलूंगा। सर रिक्वेस्ट है आपका कि ये सीजीएल कोई भी हर हाल में ये बंद कर देना चाहिए रद्द करवाना चाहिए क्योंकि सर सचिवालय मेन होता है वहीं से सारा काम होता है जो झारखंड का जिला तक नहीं पता है वो सारे को 28 लाख 29 लाख करके क्या हुआ कि सेटिंग कर लिया है हम लोग के पास नहीं है तो हम लोग नहीं जा पाए सर गरीब है हम लोग कहाँ से जा पाएंगे एक मार्केट में पता चल रहा है कोई 28 बोलता है कोई 30 कितना दिया वो परफेक्ट कोई बता नहीं पा रहा है ठीक है ना दलाल और कितना दिया ये आने दो आने दो आने दो क्योंकि 2 तारीख प्रधानमंत्री जी भी आएंगे तो उनका सामने भी हम ये बात रखेंगे और उसका पहले राज्यपाल महोदय चिट्ठी लिखाई है मैं और उनको एक बार बातचीत करता हूँ हम लोग पूरा कोशिश करूँगा और ऐसे भी कैंसिल ही होगा अगर क्वेश्चन पेपर लीक होगा तो सुनने वाले टाइम में लीक किया जा रहा है सर सुन रहे कल आंसर की दिया है और 20 तक ही क्वेश्चन का एराइज करने का डेट दिया है सर सुन रहे 5 तक सुन रहे रिजल्ट देने वाला है सर 5 तक बोला सुनने नहीं बोल रहे 10 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग भी दे देंगे हम लोग 10 साल से पढ़ रहे हैं सीधा ना सर इसमें एग्जाम है नंबर भी रिलीज करना चाहिए ना कितना कटअप है कितना ज्वाइनिंग होने के बाद कटअप जारी करता है आज तक यहाँ कुछ जारी नहीं होता है एग्जाम देते तक मेरा कितना नंबर है ये तो पता चलना चाहिए सर कि हम कितना लाए हैं कितना हम पीछे हैं ये भी तो नहीं पता चलता है पीछे एग्जाम था सर हमें पीजीटी का भी एग्जाम कैंसिल हुआ सर ऑर्गेनाइज हुआ है 297 कटअप किया सर यूआर का मेरा भी एक बात सुन लीजिए इतना इतना कॉपी किए थे पिछले 7th APSC को उसमें मेरा कॉपी में 28 नंबर को 8 इतना ज्यादा अति ध्यान दिए हम लोग कम त्रस्त है युवा मतलब मरने का सुसाइड के कुछ नहीं बचा हुआ है सर जेल पसंद है कि बेरोजगारी नहीं पसंद है सर ये 5 साल हम लोग का सर ऐसा पार हुआ ना कि ऑर्गेनाइज कुछ नहीं मिला सर अपॉर्चुनिटी तक नहीं मिला सर कुछ बाप माँ बीमार पड़ जा रहा है ये हालत है अभी देख ही रहे सर अभी एक्सरसाइज का जो दौड़ हुआ है उसमें से 15-16 बच्चा अभी मर गए हम लोग का दोस्ती साथ ही मर गया है अब उसका जिम्मेवारी कौन है 4-5 लोगों का
मैं प्रधानमंत्री जी का भी अवगत करवाऊंगा और कुछ करना पड़ेगा। ऐसे तो बोलने से नहीं सर, जाम कैसे करवाना ही चाहिए सर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये नहीं कहने दिया आगे, आप आइए इधर भाई, मत कर भाई साहब, हमारा आराम से छात्रों ने आपसे मुलाकात की है, छात्रों के मैंने तक दुख दर्द अपना बताया, क्या कहिएगा इसे? देखिए मैं तो यहाँ एक अलग कार्यक्रम के लिए आया था, छात्राओं ने मुझे मिला और सारे लोगों ने ये दुख जताया कि जो JSSC का एग्जाम हुए थे उनका क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका था और एक एक क्वेश्चन पेपर के लिए वो लोगों का मानना है कि 28 लाख से 35 लाख रुपया तक भी धांधली हुआ है। छात्राओं ने चेयरमैन से मिला और उनको जांच का रिक्वेस्ट किया कि ये मामला को आप लोग जांच कीजिए, लेकिन वो लोगों ने जांच नहीं किया, तुरंत आंसर की जारी कर दिया। छात्राओं ने ये भी अभियोग किया है कि सरकार पूरा ये एग्जाम का प्रोसेस को वो लोग फास्ट ट्रैक कर रहा है, ये लोग जल्दी जल्दी रिजल्ट देना चाहते हैं और 10 तारीख का पहले नियोग भी करना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है उनका पहले जांच होना चाहिए, एक न्यूट्रल जांच समिति बैठाना चाहिए, लोगों का बात सुनना चाहिए और तब जाके आप इसका रिजल्ट अनाउंस कर सकते हो। लेकिन अगर आप जांच नहीं करते हो और आप ऐसे ही आप आगे बढ़ के चला जाते हो तो अब ये छात्राओं ने ये भी हमें बोला है कि हम लोग ये मंजूर नहीं करूंगा, हम लोग आंदोलन भी करूंगा और जहां तक जाना है वहां तक हम लोग जाऊंगा। मैं झारखंड प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन होगा, देखिए सरकार जिसका भी हो, एग्जाम अच्छा से होना, निरपेक्ष होना और छात्राओं पूरा एग्जाम प्रोसेस के लिए संतुष्ट होना ये बहुत जरूरी है। मैं मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि आप कृपया ये सारे बात को आप जांच कीजिए, कोई जबरदस्त करने का जरूरत नहीं है, एक एक करके सबका बात सुनिए और एक सिद्धांत में आइए, नहीं तो ये से 10 लाख जो छात्राओं है ये लोग नाराज होगा, ये लोग आंदोलन करेगा, समाज के लिए बहुत बड़ा क्षति होगा। सर, 2 तारीख को जो कार्यक्रम है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? देखिए आप लोगों को मालूम है कि हम लोग ने पूरा झारखंड प्रदेश ने परिवर्तन यात्रा का शुरुआत किया था, 2 तारीख ये यात्रा का जो समापन होगा ये समापन समावेश में प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य रखेगा, हमारा बीच में वो लोग उपस्थित, प्रधानमंत्री जी उपस्थित होगा। हम लोग 2 तारीख समापन करेगा, 3 या 4 तारीख सुबह हमारा मैनिफेस्टो का की पॉइंट हम लोग जारी भी कर दूंगा और साथ साथ में हमारा चुनाव कमेटी का बैठक भी शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे झारखंड का इलेक्शन डिक्लेयर होगा हम लोग उम्मीदवार मैनिफेस्टो दोनों तरफ हम लोग पूरा अपने आप को तैयार कर लूंगा। ये परिवर्तन यात्रा का जो समापन हजारीबाग में होने जा रहा है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा, प्रधानमंत्री जी का रैली में सब लोग आए
प्रधानमंत्री जी को सुने, इसके लिए मैं सबको निवेदन करूंगा। 2014 में भी परिवर्तन यात्रा निकाला गया था जिसके बाद रघुवर सरकार बनी, लेकिन रघुवर सरकार कहीं ना कहीं विफल हो गई और रघुवर दास खुद हार गए। देखिए 2019 का बाद 2019 में ही समाप्त हो गया। जेएमएम बहुत ज्यादा हिस्ट्री पढ़ता है, मैं जेएमएम को निवेदन करूंगा ज्यादा अतीत मत देखो, भविष्य का तरफ देखने का कोशिश करो। अगर आप भविष्य देखेगा आपको अंधेरे देखेगा, आपका कोई रोशनी आपको नहीं देखेगा। सर परिवर्तन लगातार आप लोग डेमोग्राफिक चेंज को लेकर बातें कर रहे हैं, तो जो कागज नहीं दिखाएंगे क्या वो बांग्लादेश जाएंगे, चुनावी मुद्दा होगा? देखिए एनआरसी होगा, जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा उनको हम लोग बांग्लादेश तक धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा, यही हमारा नीति होगा। पहले सब लोगों को एनआरसी बनने का समय, सब लोगों को अपना पक्ष रखने का सुविधा मिलेगा, कानूनन पूरा जितना भी प्रोसेस करना है सब प्रोसेस किया जाएगा। अंत में अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते हो कि मैं भारत का नागरिक हूं, तब आपको कानून का रास्ता से ही हम धक्का मार मार के बांग्लादेश भेज दो। सर असम में कितना सफल रहा पहला राज्य? असम में देखिए, असम में हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, 16 लाख लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया हूँ। अभी हम सुप्रीम कोर्ट से और रिक्वेस्ट किया हूँ कि हमको और एक बार करने दीजिए, सीमांत में हमको और 20% सैंपल चेक करने दीजिए। पहला शरण में ही हमने 16 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया जो प्रथम दृष्टि में भारतीय नागरिक नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट से हमें दूसरा रिवीजन का अनुमति मिल जाते हैं, तब वो संख्या और बढ़ेगा। अभी तक जो संख्या हुआ है पहला शरण का एनआरसी से, ये लगभग 16 लाख और 15 लाख का बीच में है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है सर इसमें, जैसे आप डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं, यानी बांग्लादेश रोहिंग्या के लोग यहाँ पर हैं, आदिवासी संख्या घट रही है, तो जो बांग्लादेशी हैं जो वोटर लिस्ट में हैं उनको कैसे रोकेंगे? देखिए वोटर लिस्ट में कब से है आप, वोटर लिस्ट में 2026 में है, 2021 में है, उसका पहले आपका नाम कहाँ था? अगर आप भारत का नागरिक है, आपका उम्र 40 साल है, 2026 में आपका नाम झारखंड में है, 2021 में आपका नाम झारखंड में है, इसका पहले नाम कहाँ थे? वही पूरा खेल है। हम लोग 2001 से वोटर लिस्ट का जांच करूंगा, भाई ये बंदा का यहाँ नाम नहीं था, सेमे नाम है, सेमे नहीं था सोधा में है, सोधा में नहीं था 21 में है, पहले आप कहाँ था? अगर वो बता देते हैं कि पहले मेरा नाम बिहार में था, पहला मेरा नाम बंगाल में था, पहले मेरा नाम असम में था, मेरा नाम दिल्ली में था, तब ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर दिखा नहीं सकता है कि पहले हमारा नाम कहाँ है, तब तो प्रथम दृष्टि में आपका ऊपर संदेह जाएगा ही जाएगा। फिर आपको ट्राइब्यूनल का सामने प्रूफ करना है कि भाई आप झारखंड आने का पहले आप कहाँ थे। तो ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है और ये प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा के रखा हुआ है, इसमें किसी का कष्ट नहीं होते हैं। और जैसे जो भी नया लोग वोटर लिस्ट में आया है, खाली वही लोगों को जांच किया जाएगा, जो झारखंड का आदिवासी है, मूलवासी है, उनको जांच भी नहीं किया जाएगा। किसलिए? उनका नाम तो लिस्ट में ऑलरेडी पिता माता का दिन से है, तो उनको जांच नहीं होता है। किसका जांच होता है? जिसका नाम पहला बार 18 साल में भी, जो जिसका नाम पहला बार आता है उनका जांच नहीं होता है। किसलिए? उनका पिता माता का नाम होगा। लेकिन जो परिवार का नाम पहला बार आया है, जैसे आप पाकुड़ में जाए, बहुत सारा परिवार का नाम पहला बार वोटर लिस्ट में आते हैं। जो व्यक्ति का नाम पहला बार वोटर लिस्ट में आते हैं और उनका उम्र 18 नहीं है, उनका उम्र 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, उनको पूछा जाता है कि आप कृपा करके बताइए कि आप पहले कहाँ थे। तो ये बड़ी साइंटिफिक प्रोसेस है। और आप इतना मुझको बताइए, मैंने वो दिन पाकुड़ में गया था, पहले वहां में हिंदू विधायक होते थे, अभी हिंदू लोग कॉन्टेस्ट भी करने के लिए डरता है, आदिवासी लोग भी कॉन्टेस्ट नहीं करता है, पूछने से बोलते हैं नहीं नहीं संख्या परिवर्तन हो गया। भाई कैसे परिवर्तन हो गया, ये तो कोई तो बताना पड़ेगा ना। तो ये हाईकोर्ट जेएमएम सरकार को पूछ रहा है,
जेएमएम सरकार उत्तर नहीं दे रहा है, इसका कारण सबसे ज्यादा सटीक किसका हो रहा है। आज पूरा झारखंड में 2021 का अगर समीक्षा निकालेगा जनगणना, आदिवासी का संख्या और कम होगा। तो इसीलिए जेएमएम को घुसपैठियों का समस्या से भागना नहीं चाहिए। आप घुसपैठियों का वोटों का लालच में अगर आप राजनीति करेगा, झारखंड का आदिवासी और मूलवासियों का कभी भी अच्छा नहीं होगा। हम लोग माइनॉरिटी बनते जाऊंगा। कितने लोग संपर्क में सर, आपके बयान से घमासान होता है सर? देखिए, अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, 2 तारीख पितृपक्ष का खत्म होगा, उसका बाद मेरा लगता है कि नया वातावरण बनेगा और नया नया लोग हमसे जोड़ेगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि जमीन का दस्तावेज देख के लोगों का सही और गलत का, देखिए एक जमीन का दस्तावेज देखे, लेकिन मेरा मानना है वोटर लिस्ट देखने से ही, आजकल बहुत बढ़िया कंप्यूटर फॉर्मेट है, आप 2016 का वोटर लिस्ट कंप्यूटर में डाल दीजिए, 19 का डाल दीजिए, 26 का डाल दीजिए, कंप्यूटर ही आपको बता देगा नया कौन कौन आ गया। तो अभी आपको बहुत ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, साइंस इतना आगे बढ़ चुका है। आप हजारीबाग में कौन कौन नया व्यक्ति आए, 10 मिनट में आपका पास लिस्ट आ जाएगा तीनों वोटर लिस्ट में। फिर आप देखिए कि ये लोग कहां से आए, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो रांची से आया हूँ, आया समाप्त, बोले मैं बिहार से आया हूँ, ठीक है मैं बंगाल से आया हूँ, बट हम कहीं से नहीं आया हूँ। तो आप तो आसमान से नहीं आए हैं, कहां से आप आए हैं? तो ये सिस्टम इतना टफ नहीं है। अच्छा सरकार होगा तो 6 महीना का अंदर ही पहला शरण में हम निकाल पाऊंगा कौन घुसपैठी है कौन नहीं है। फिर जो घुसपैठिए है उनको भी पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि आज ही धक्का मार देगा, पूछा जाएगा भाई आपका कुछ अतिरिक्त दस्तावेज है तो आप दीजिए, अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं तब को आपको जाना पड़ेगा, या तो खुद जाओ या तो हमें धक्का मारे। हम सर कह रहे हैं कि कोई डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रहा है। अरे डेमोग्राफी चेंज पहला बार उनको, मेरा लगता है उनका डेमोग्राफी का मीनिंग ही पता नहीं है। झारखंड में मैं तो आपको बता ही रहा हूँ हर साल अभी आदिवासी घटा है, ये डेमोग्राफी चेंज बोलता है। मुसलमान जनसंख्या बढ़ा है, ये डेमोग्राफी चेंज लगता है। हेमंत सोरेन जी को शायद डेमोग्राफी का बारे में वो पढ़ा नहीं है, खुद ही बोल रहा है आदिवासी संख्या घट रहा है और बोल रहा है कि डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ। दोनों बात तो सच नहीं हो सकता है। तो हेमंत सोरेन जी शायद अभी वो पावर का मोह में, समता का लालच में वो बहुत ज्यादा डूब चुका है, आदिवासियों के लिए चिंता करने का उनका शायद अभी समय नहीं है। आरोप भी एक लगाया मुख्यमंत्री साहब ने कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप लोग बीजेपी और एसएस वाले, और आप पर भी इशारा था कि देखिए चलो वो मुद्दा वो ले लेना, हम ना ले। अगर काल हेमंत सोरेन जी बता देते कि घुसपैठियों का खिलाफ जंग मैं करूंगा, हम लोग बोलना बंद कर दूंगा। उनका समस्या है हम लोग बोलने से ना, तो हम लोग बोलना बंद कर दूंगा, वो बोलना शुरू करे। अगर हेमंत सोरेन जी घुसपैठियों का मामला उठाना शुरू कर देते हैं, मैं वादा करता हूँ हम लोग चुप हो जाऊंगा, और इसका इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। बोलिए, जेएमएम कह रही कि मैया सम्मान योजना लाए हैं, और ये मैया कब लाया है? जाने का समय खाली 1,000 रुपया, सरकार सलाह 60 महीना, जाने का समय आप 1,000 रुपया लेके आते हैं। केंद्र पैसा रखा हुआ है बहुत सारा, केंद्र का पैसा से आपको क्यों चिंता करते हो? आपका अगर पैसा नहीं है तो बीजेपी को दे दीजिए ना, बीजेपी पैसा लाएगा ना, ठीक है ना सर।